सो बॉयज एंड गर्ल्स, कल मैंने रॉक लामा का वीडियो तो देखा था। रॉक लामा तो क्या बोलते हैं अपना ये बॉबी भाई को साफ वाप बुला दिया। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो सब होगा। आप तुम लोग दोस्त हो ब्रो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? इतना ग्रो किया ठीक है, अब संगी, अरे वो भी अब क्या बोलते हैं अब सिलीगुड़ी में रहते हैं वो, बाप रे। अब जैसे भी करके एक ना एक दिन तो काम आएगा। बॉबी भाई भी, मतलब बॉबी भाई को भी रॉकनामा काम आएगा, रॉकनामा को भी बॉबी भाई काम आएगा। झगड़ा क्यों किया पता नहीं मेरे को। ठीक है, अब उन लोग का ही होगा नीचे अंदर अंदर का बात, पर रॉकनामा एक्सपोज बोल के बाप रे, ये बॉबी ने भी डाला है। चलो बॉबी भैया का वीडियो देखता है या उस, कभी अभी तक सिलगुड़ी में देखा नहीं है पर्सनली। ठीक है, अब हम भी सिलगुड़ी का ही है तो, पर पता नहीं रॉकलामा को भी जिंदगी में कभी नहीं देखा है ब्रो। रियलिटी में हम सिलगुड़ी में रहता है, पर हम घर के अंदर अंदर ही रहता है। क्या बोलिए, हम भी अंडरग्राउंड आदमी है ना। तभी भी कुछ कोई बात नहीं ठीक है, अब देखेंगे ये बॉबी भाई क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स सी दिस शिट ब्रो। पता है दोस्ती क्या है, लेकिन हमको फर्क पड़ता है, उसे लिए हम ये दोस्ती वर्ड जो है इसको खराब नहीं करना है। फायदा तो तू हर जगह फायदा देखता है, अभी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। दोस्ती क्या है, लेकिन हमको फर्क पड़ता है, उसे लिए हम ये दोस्ती वर्ड जो है इसको खराब नहीं करना है। फायदा तो तू हर जगह फायदा ही देखता है, अभी यहाँ पे देख। हम लोग राइड का प्लान किया था, हम लोग का ये प्लान ही नहीं था कि हम लोग यूके से मिलेगा या फिर किसी से मिलेगा। तू क्या बोला भाई, व्यूज नहीं आ रहा है, उसके बाद हम क्या करें? थोड़ा सा आपको रिकॉर्डिंग दिखाया, लेकिन हमारे पास ना भाई 2.5 घंटे का वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपना लेता हूँ और तुम। मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम लोग अलग अलग हो गए हैं। इन लोग तो संगीत तो राइड गया था। ओ इन लोग छूट गया, इन लोग छूट गया, इसीलिए तो रॉक लामा कल UK07 के साथ ब्लॉग अपलोड किया था। ओ दैट इज व्हाई ये हमको दिया, उसके बाद बोलता है तू निकल यहाँ से। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले तो हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि गाइस आप लोग पहले पूरा कहानी जान लो। देखो वैसे तो हमको इस विषय में बात करने का कोई मन नहीं था, लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा है कि हम क्या बोले, हम बहुत ज्यादा। पर कल जो UK07 का वीडियो में रॉक लामा को UK07 ने बताया है ना, जितना अकेले चलोगे उतना ही फायदा होगा। पर वो तो है, वो तो सही में हमको, हम भी मानता है कि मतलब जितना अकेले चलोगे उतना ही मतलब तुम्हें फायदा तो होगा, वो तो मेरे को भी पता है। ठीक है, पर लेट्स सी। डिप्रेस हो चुका है, हम राइड करें कि क्या करें, हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। भाई तुम भी अब डेली व्लॉग्स कर रहे हो, ठीक है, डेली व्लॉग्स करते रहो ब्रो, अपना ग्राइंड कभी थमी नहीं। ठीक है, अपना ग्राइंड कभी थमना नहीं, ठीक है, चाहिए। ठीक है बॉबी भाई, दैट्स ऑल आई वांट टू से ब्रो, तुम अपना काम करो, रॉकनामा भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम दोनों को मेरे से तो कोई हेट वेट कुछ नहीं है ब्रो। हम तो क्या बोलते हैं, वीडियो जिसका मतलब आ जाए, मतलब सजेशन में देखने का मन किया तो देखता है, ठीक है, देखने का मन नहीं किया तो नहीं देखता है। ठीक है, वैसा टाइप का हम तुम लोग का सब्सक्राइबर है। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्टिंग से सुनो, गाली कमेंट सेक्शन में हमको आप गाली दो या फिर हमको बाप रे, तुमने रॉक लामा को पोक कर दिया, तुम्हें रॉक लामा को पोक कर दिया, हर हर मारे वो, वेर इज द रॉक लामा, रॉक लामा अकेला छोड़ दिया, ये बेचारा अकेला रो रहा यार। ओ कुछ भी आप बोलो गलत हमको ठहराओ, उससे पहले आप पूरा सच्चाई जान लो, हम सब चीज का आपको हम प्रूफ देंगे, उसके बाद आप डिसाइड करना कौन सही है कौन गलत है, कौन छोड़ के गया कौन नहीं गया, ठीक है ना। अब ऐसे डायरेक्ट मेरा ऊपर इल्जाम मत डालो यार, वो बड़ा क्रिएटर है, वो कुछ भी बोल देगा तो वो सही है, हम कुछ भी बोलेगा तो हम गलत थोड़ी ना हो सकता है यार। जब जयगांव से हम लोग निकले थे, जयगांव से पहले हम लोग का डिसाइड था कि भाई हम लोग जयगांव से केदारनाथ जाएंगे। भाई कितना कट डालेगा यार, केदारनाथ से स्पीति जाएंगे, स्पीति से लेह लद्दाख जाके फिर रिटर्न हम लोग घर आएंगे, वहां से हम लोग ठीक ठाक आ गए हल्द्वानी तक। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में ना ज्यादा कट होने से ना मेरे को सस्पिशियस होने लग जाता है ब्रो, व्हाट द फक इज दिस ब्रो। हल्द्वानी में उसका बर्थडे बना, आप सबसे पहले तो ये बर्थडे वाला आप उसका फुटेज देख लो। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग हल्द्वानी पे पहुंच चुके हैं, रूम में बस सामान वामान रख के आए हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं केक का शॉप में, ठीक है ना, और रॉक का बर्थडे है आज रात को, मतलब कल बर्थडे है, तो सोच रहे हैं रात को उसको थोड़ा सा विश कर दे। अभी उसका माँ पापा फैमिली वाला तो कोई भी नहीं है, हम ही लोग है, क्या अमन भाई जो है भाई, तो यहाँ पे देख रहे दो ही केक था, तो एक जो हम लोग को सबसे बेटर लगा ये वाला था और ये वाला था, तो हम लोग को जो सबसे बेटर लगा वो हम लोगों ने ले लिया। पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा आ रहा है यूट्यूब से। क्या व्यूज कितना आ रहा है देखते हैं हम, कितना पैसा आ रहा है मंथली? आ रहा है 914, ये तो बस एस्टिमेटेड है। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैलकुलेट। क्यों गिर रहे हैं रे माइक, क्यों गिर रहे हैं रे? कैलकुलेटर
914 इंटू अभी कितना होगा, चलो 90 मान लेता है, इज इक्वल्स टू ओ 1 times 100,000 times 1,000 1,00,000 तो कमा ही रहा है, 1,00,000 तो कमा ही रहा है ब्रो मंथली बॉबी भाई। अरे भाई एक साल में एक बार आता है। अरे भाई ये तो लिए, इसको रखेंगे कहाँ अब? हाँ तो लेके जाएंगे। और वो देख तो लेगा, देखने दो। अरे दिखाना नहीं है। अरे उसको भी पता है उसका बर्थडे, फिर भी सरप्राइज रख देंगे। हाँ नीचे रख देंगे, सरप्राइज देना है ना। चलो गाइस निकलते हैं। Happy birthday to you। मुझे डाउट तो उस टाइम बहुत गुस्सा आया था। साला विश्वास से बोले कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली अब दोनों ही बकचोदी बकचोदी है, अब दोनों बेसी मतलब देखो भाई दोस्त दोस्त के बीच में बकचोदी चलते हैं, पर ज्यादा बकचोदी करने से भी मतलब हमेशा बकचोदी तो किसको पसंद है ना, वही हो रहा है इन दोनों का बीच में भी। एक्चुअली इन लोग का बीच में दुश्मनी नहीं है, इन लोग का बीच में ना ज्यादा बकचोदी हो रहा है। कहाँ जा रहा है? अभी हम लोग रूम से निकल रहे थे तो रॉक बोला कहाँ जा रहा है हमको छोड़ के, अभी रूम में आया, फ्रेश भी नहीं हुआ, जा रहा है। कैसा लगा? पर रूम में बैठते बैठते मैंने सोचा ऐसा, देखा मैंने इंस्टाग्राम देखा, मुझे लगा स्टोरी डालूंगा कल मेरा बर्थडे है, ये तो 11 बजे ही है, तो अब 12 बजे है, तो ये लोग भी गया है अनोन प्लेस है। बर्थडे 12 बजे हम लोग केक काटेंगे। पूरा पिघल गया। चलो बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। फुटेज आप लोगों ने देख लिया, वहां पे हम लोग केक वेक काटे ठीक है, उसके बाद बैठे हुए थे, तो वो ऐसे हम लोग में अपने अपना हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते वो बोला कि भाई व्यूज नहीं आ रहा है चैनल पे, देख रहे 50,000 60,000 व्यूज आ रहा है, क्या ही होगा इतना में सबका वही। What the fuck bro? अरे भाई साहब यही चे बड़ा क्रिएटर लोग व्यूज 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 क्यों करता है ब्रो ब्रो, मतलब कंटेंट कम छोड़ो पर भाई अच्छा छोड़ो, व्यूज आ जाएगा ब्रो। व्यूज के लिए नहीं हो, व्यूज के लिए तुम लोग देखो भाई, हम तो ना भाई क्या बताए फुल टाइम यूट्यूबर, मतलब अभी तक मेरा मोनिटाइज भी नहीं हुआ है तभी भी हम फुल टाइम यूट्यूबर है जैसे बोल सकते हैं हम, मतलब हम कभी व्यूज के पीछे भागे नहीं, व्यूज के पीछे भागते हैं लड़का लोग, क्या बोले ब्रो, हम कभी व्यूज के पीछे भागे ना हो, हम तो कसम से सब्सक्राइबर के ऊपर भागते हैं। ओ भाई कब मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, कब कितना होगा, चलो भाई 1K मार दो व्यूज भले गान बढ़े, तुम मेरा व्यूज देख सकते हो एक बीटेन वाला वीडियो में 18K, अब उसके बाद देख लो व्यूज ब्रो, उसके बाद हर वीडियो मिला के भी 18K नहीं होगा पर तभी भी कंटेंट तो डाल रहे ना ब्रो, मे कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट ब्रो नॉट व्यूज ब्रो। यही हाल था ठीक है, व्यूज किसी का भी नहीं आ रहा था, तो अब उसने डिसाइड किया कि चल भाई UK07 से मिलते हैं, क्यों व्यूज आ जाएगा थोड़ा बहुत। हम उस यही कॉन्सेप्ट है ना, यही कॉन्सेप्ट मेरे को बुरा लगता है भाई, ए भगवान क्या बताएं, व्यूज 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 ना भाई ना ना, व्यूज से नहीं होता है, तुम लोग जितना भी बकचोदी करो जितना भी करो भाई व्यूज से नहीं होता है ब्रो, बस पैसा चाहिए क्या अपना लाइफ में, लेगेसी नहीं चाहिए क्या, लेगेसी नहीं चाहिए क्या, व्यूज के पीछे भागोगे ना ब्रो तो कभी लेगेसी नहीं मिलेगा ब्रो, अच्छा कंटेंट डालो जो भी करो, व्यूज ऑब्वियसली हु डजंट लाइक्स व्यूज, हु डजंट वांट व्यूज, पर सबको ही पसंद है, पर लेगेसी के पीछे भागो ब्रो, लेगेसी के पीछे, व्यूज के पीछे नहीं और पैसा के पीछे नहीं। टाइम उसको कुछ भी जवाब नहीं बोला, हम बोला ठीक है कर ना कर, भाऊ भैया ने जैसे कॉन्फर्मेशन दे दिया कि हाँ भाई तुम आ जाओ, वो प्लान किया कि इन लोगों को छोड़ के हमको निकलना है ठीक है, क्योंकि अगर वो हम लोग को लेके जाता, अगर वो हम लोग को लेके जाता तो भाऊ भैया का घर में नहीं घुस पाएगा कोई कीमत पे, कोई भी बड़ा यूट्यूबर ऐसे घर में किसी को भी नहीं घुसाएगा। बड़ा यूट्यूबर तो छोड़ ही दो ब्रो, किसी का भी घर में 2-3 जन ऐसे आएगा तो कौन घुसाएगा, वो भी सही बात है, 4-5 लोगों को ठीक है ना, अगर वो अकेले जाएगा तो घुस सकता है, इतना तो सबको पता है, सभी को पता है, इतना ऑडियंस भी बुड़बक नहीं है जितना वो अगला समझ रहा है, सबको इतना गधा कोई भी नहीं है भाई आज का डेट में,
उसके बाद बाता-बाती हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा में बाता-बाती हुआ, गाली गलौज भी हुआ, उसने मेरे को गाली दिया, हम उसको एक वर्ड भी गाली नहीं दिया, उसने मेरे को गाली भी दिया है, ये आप क्लिप सुन लो। अच्छा ये गाली सुन के मुझे हंसी क्यों आ रही है ब्रो? ओए जट समझ शिट शिट हम ना वहां पे समझ गया था कुछ तो गंडगोल होने वाला है। हम अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया है तो थोड़ा सा आपको रिकॉर्डिंग दिखाया, लेकिन हमारे पास ना भाई 2.5 घंटे का वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें वो जिससे मिलने गया है उसके बारे में भी बहुत कुछ बोला है, उसके घर वालों में भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमको वो सब देखो भाई हमको पहले दोस्त थे हम लोग, पहले हम इस सब में हमको पढ़ना भी नहीं था। हम देखो पहले का हम कोई बात लेके नहीं आना चाहते, सीधी बात बोल दे पहले का टाइम में हम भी पर एक चीज से बोलते हैं बॉबी भाई का जी, एक चीज बोलते हैं भाई मतलब जैसा भी है मतलब बंदा फेक से नहीं है भाई, बंदा फेक से नहीं है इतना जो हम बोल सकते हैं बॉबी भाई के लिए, उसके लिए बहुत कुछ किया है और उसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो पहले की बात मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे कि रॉक लामा फेक है, रॉक लामा तो और बकचोदी है भाई, बहुत बकचोदी, बाप रे रॉक लामा का तो भाई गट्स को तो मानना पड़ेगा भाई, किसी का औकात नहीं होगा भाई बीच रास्ता में जाके मतलब वो ऐसे बोले तो छपड़ी गिरी करने का मतलब इतना गट्स किसी का नहीं होता है भाई, रॉक लामा के पास है, ये एक तो गट्स ही है भाई, ये भी अप्रिशिएट करते हैं भाई रॉक लामा का, बाप रे जैसे भी चैनल ग्रो किया ऑब्वियसली छपड़ी जैसा बन के चैनल ग्रो तो किया है, कोई बात नहीं ठीक है, पर एटलीस्ट ग्रो तो किया ना भाई, ग्रो तो किया ना, मिट्टी डालते हैं ठीक है। वो ग्रो करने का बात भी नहीं है मेन चीज, पता है उसका जो हिम्मत है ना भाई उधर जाके वो कर सब करने का ब्रो, वही मेरे को बाप रे खतरा लगता है। भाई साहब उस टाइम इतना कट मार रहा था बॉबी भाई, तुम ये सब खोकी में क्यों कट नहीं मार रहे ब्रो? तबीयत भी खराब हो गया है तो वो वहां पे अपना गेम खेलना स्टार्ट कर दिया वहां से। वो रात में क्या किया वो बोला ठीक है गाली वाली हमको दिया, उसके बाद बोलता है तू निकल यहाँ से। भाई अगर तुम लोगों को थोड़ा भी डाउट है ना तो मेरे सामने उसको बैठा दो और बैठा के बात कर लो। वो मेरे को गाली दिया रात में, उसके बाद बोला तू निकल यहाँ से। उसके बाद मेरा जो पैसा उसके पास था, हम लोग 5,000 रुपया सब उसको दे के रखे थे कि रास्ता में जो भी खाएंगे पिएंगे रहेंगे उसमें से हम लोग का डिवाइड होते रहेगा। तो 5,000 में 2,500 रुपया खर्चा हुआ था, 2,500 रुपया बचा था। तो उसने मेरे को रिटर्न मेरा पैसा 2,500 रुपया दिया ठीक है। उसके बाद वहां से बोला तू अपना रास्ता, अब से हम अपना रास्ता। हम बोला कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप सो गया वहां पे। और उसके बाद रात में वो हम उसको सब नोटिस भी कर रहा है भाई कौन क्या कर रहा है क्या देखना पड़ता है ना। तो वो अपना सारा बैग वैग सब कुछ पैक कर लिया और बोला सुबह, हम बोला सुबह निकल रहा है अब तेरे से क्या लेना देना, अब अपना रास्ता तू अपना रास्ता बोला ना, अब अपना अपना काम करो ठीक है। वो अपना बैग वैग पैक करके हम लोग सब सो गए। सुबह उठे 11:30-11:12 बजे करीब। उसके बाद वहां से हम लोग गए बाइक पे अपना लगेज वगैरह बांधे, वहां से गए होटल में खाना खाने के लिए। खाना भी चुपचाप, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, खाना हम लोग चुपचाप खाए वहां पे। उसके बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था केदारनाथ का, तो एक भाई है जो अभी रिसेंटली जाके आया केदारनाथ, सिलीगुड़ी का भाई है हमारा दोस्त है, वो रिसेंटली जाके आया। तो हम उसको बोला भाई रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना वहाँ का जो कोई नंबर वंबर है तो दे दे, क्योंकि ऑनलाइन में स्लॉट देख रहा हूँ तो पूरा फुल दिखा रहा है, कहीं पे मिल नहीं रहा अब इतना। हम वहां से उससे नंबर लिया, उसने मेरे को नंबर दिया, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम भेज देता है भाई देख लो, उसने मेरे को नंबर दिया, हम इन लोगों को नंबर ट्रांसफर कर दिया। टाइम आप देख लो, थैंक गॉड की उत्तराखंड टूरिज्म का नंबर लिख किया है इधर किसी का होता तो भाई अभी गड़बड़ देता। टाइम भी लिखा हुआ है दोनों जन को, हम नंबर तो देख भाई हम तेरे को नंबर दे दिया है क्या करना है बोल, हम इसको बस इतने पूछा क्या करना है बोल। ए तू जा ना, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, हम बोला ना निकल यहाँ से, बोला ना जा यहाँ से। अब वहां पे जो बंदा हमको लगभग राइट का 1-2 दिन से बोल रहा है कि तू जा तू जा तू जा, अगर हम उस दिन नहीं निकलता ना तो वो रात नेक्स्ट डे भी अगर कुछ भी होगा ना तो मेरे को एक ही चीज बोलेगा बॉबी हम तो तेरे को चला जाने के लिए बोला था ना। मेन चीज ना भाई मतलब इसमें ना मैं दोनों का ही गलती मानूंगा, मतलब हमेशा बकचोदी नहीं चलेगा ना भाई, हमेशा किसी को कभी कभी तो बिना बकचोदी का भी तो रहना चाहिए ब्रो, हमेशा बकचोदी करेगा, मैं भी तो वैसा ही हूँ, मेरा दोस्त भी मेरे साथ मतलब वो भले व्लॉग बनाता हो या तो ना बनाता हो ठीक है, बड़े हमें हमारे को बिना बेकार में बकचोदी करेगा तो मेरे को भी कैसा लगेगा ना। इन लोग का एक्चुअली बड़ा दिख रहा है क्योंकि इन लोग दोनों ही व्लॉगर है,
मेन चीज ऐसा ही है ब्रो। मेरा ब्लॉग चैनल फॉलो कर रहे हो तो ऐसा के टाइप का कांड मैं ऑलरेडी हो चुका है ब्रो, पर यू नो ब्रो ऐसा ही है ब्रो ना। तू क्यों नहीं गया, तेरा गलती है, तू तो मेरा पीछे आ रहा है, तो वो चीज हमको दोबारा नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में बहुत कुछ गिना चुका है। हमको पास्ट का बात नहीं करना है, सीधी बात बोला, हमको पास्ट का कोई बात नहीं करना है, ना उसके बारे में, ना अपना बारे में, ना ही हम चाहेगा कि कोई और बात करे। वहां पे जैसे नंबर दिया उसने मेरे को बोला जाना यहाँ से, तू तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बोला नहीं। ऑल गाइस, तो अभी हम लोग तीनों जने हल्द्वानी में, ठीक है, और यहाँ से मैं और रॉक अलग हो रहे हैं, तो कोई भी मतलब भगवान ना करे किसी को कुछ हो, मतलब फिर भी बोल देता हूँ कोई भी किसी का रिस्क नहीं लिया है, ना रॉक मेरा लिया है। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपना लेता हूँ और तुम? मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम लोग अलग अलग हो गए हैं। ये वीडियो हम उसी लिए बनाए क्योंकि हमको मालूम है वो यहाँ से निकलने के बाद सिंपैथी गेम खेलना स्टार्ट कर देगा, उसको हम जानता है, बहुत अच्छे से जानता है गाइस। वो देखो उसको पता है अगर बॉबी सब कुछ सच बता देगा तो वो फंस जाएगा, उसको हेट मिलने लगेगा, फिर भी हम कुछ नहीं बताया। पर गाइस अगर आप लोग में से भी कोई भी बंदा सोच रहा है या फिर वो भी सोच रहा है ना कि हम ये व्यूज के लिए ये वीडियो जो हम डाल रहे हैं, ये बना जो रहा है ये व्यूज के लिए बना रहा है, तो भाई हम जिस दिन वो हुआ था ना उसका नेक्स्ट डे, जैसे वो मेरे को जैसे वो अपना फर्स्ट वीडियो में पहला ही वीडियो में बोल दिया था ना, जैसे जैसे हमको छोड़ दिया हम उस टाइम ही डाल देता ये वीडियो, लेकिन हम नहीं डाला क्योंकि हमको इसमें पढ़ना नहीं था, हमको कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। उसको ना इस चीज का घमंड हो चुका है कि हम जो बोलेगा वो चीज ऑडियंस समझेगा, बॉबी का तो कोई बात ही नहीं सुनने वाला है। और हमको आज भी ये वीडियो बनाने का कोई भी इच्छा नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था, हम तो चुपचाप अपना राइट कर रहा है, आप लोग मेरा वीडियो देखो हम चुपचाप राइट कर रहा है, हम उसको कहीं पे भी पोक नहीं किया, हम कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो डे वन से जैसे अलग हुआ ना, जैसे अलग हुआ ना वो सिंपैथी रोना धोना करने लग गया ताकि ऑडियंस को अपना तरफ पकड़ के रखे, ऑडियंस को अपना तरफ खींच के रखे ताकि कल को हम कुछ भी बोल दे किसी का भी खिलाफ तो हमारा साइड में ऑडियंस रहे। लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं बोला गाइस, हम अपना वहां से नॉर्मल व्लॉग स्टार्ट किया, व्लॉग बनाते बनाते दर्शन करके जस्ट अभी हम आया हुए हैं, कल रात में आया, इतना ज्यादा हम डिप्रेशन में है ना कि क्या बोले भाई, मतलब तुम लोग रहते भी संगी हो, कितना दिन दोस्त 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 करके कितना दिन संगी रहोगे, कितना दिन, मतलब तुम लोग को तो कभी मेरे को लगता है कि तुम लोग तो ऐसा दोस्त हो कि मतलब हम 10 साल से जो दोस्त को जानते हैं उसके साथ भी इतना टाइम नहीं बिताया, तुम लोग इतना बिता रहे हो, मतलब अरे कभी कभी तो अपना प्राइवेट स्पेस में भी बैठो ना ब्रो, पीस ऑफ माइंड में भी बैठो ना ब्रो, तुम लोग ऐसा ही नहीं करते हो तो कैसे होगा ब्रो, तुम लोग हमेशा दोनों बकचोदी बकचोदी बकचोदी, मतलब हम तुम दोनों को देख के ना मेरे को गुस्सा आ रहा है ब्रो, तुम लोग इतना अच्छा दोस्त था ब्रो, व्हाट द फक ब्रो, मतलब एक चीज बताए ब्रो, मतलब मेरे को लगता था ब्रो, एटलीस्ट मेरे को लग रहा था मतलब रॉक लामा ना भाई, मतलब बॉबी का तो भाई सच्ची में बना ही दिया है करियर तो बना है, पर ऐसा बकचोदी अब क्या बोले ब्रो, नो हेट टू एनीवन, बट जब दो दोस्त झगड़ा करते हैं तो ब्रो ऐसा ही क्या बोले ब्रो, व्हाट द फक ब्रो, बोले जैसे हम नेट ऑन करता है ना धर 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 मैसेज, तुम धोखा दे दिया, तुम ये कर दिया, तुम दोस्ती का लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमको कोई वीडियो नहीं बनाना इसका ऊपर, हमको दोस्ती जो वर्ड है ना गाइस इसको हमको बदनाम नहीं करना था, उसके वजह से हम कोई वीडियो नहीं बना रहा है। लेकिन वो दिन भर रात भर देखता हूँ पोक कर रहा है, इंस्टाग्राम में रोते हुए फोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, वो हमको वहां से इनडायरेक्टली वे में पूरा हेट पहुंचा रहा है, हम तो कुछ चाहते ही नहीं है, सब चीज चाहता तो हम पहले ही दिन कर देता, दूसरा दिन कर देता, 3-4-5 दिन बाद हम क्यों करने जाए, छह दिन में हमको नहीं करना था ये सब। वो बोल रहा है ना कि हम लोग अलग, हम उसको छोड़ के चला गया, हमारे साथ में जो एक बंदा था जो कोलकाता से आया हुआ था, अमन भाई अपना, ठीक है, वो बंदा हमारे लिए ये कोलकाता से जयगांव आया, वो तो वहीं से, हम लोग का तो प्लान था पटना में मिलने का, लेकिन वो बंदा बोला चलो तुम लोग दो जन वहां से निकल रहे तो हम वहीं से आ जाते हैं, वहीं आ जाते हैं, वहीं से निकल जाएंगे, और वहां पे छोड़ने का टाइम भी हम वहां से निकला, जो वहां पे आप लोगों ने जो वीडियो देखा यहाँ से उसका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, वहां से हम वहां से पहले निकल गया, अमन भाई को हम बोल दिया कि अमन भाई देख लो तुमको क्या करने का है, हम उसको रॉक के पास ही छोड़ के निकला, अमन भाई को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो उनको गाइड कर देगा, रॉक उनके साथ चला जाएगा तो उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा वो, लेकिन वो किसी को लेके नहीं जाना चाहता था, सच्ची बता रहा हूँ, जो वो वीडियो डाला ना उसी का वो तो है भाई, ना 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 वो तो है भाई, वो क्यों लेके जाएगा भी, क्यों लेके जाएगा भी, मतलब एक सोच लो ना ब्रो, अब मैं किसी बड़ा यूट्यूबर के साथ मिलने उसका घर जा रहा हूं, मैं पूरा अपना टोली लेके जाऊंगा क्या, मतलब वो भले ही लड़का वीडियो यूट्यूब में बनाता है या नहीं, सपोज मेरा उसके साथ कोई बड़ा यूट्यूबर के साथ बात हुआ है कि हम बात करने आएगा, मतलब तुम्हें तुमको मिलने आएगा,
तो हम अपना दोस्त लोग है होटल रूम में, तो उन लोग सबको लेके जाएगा क्या? नहीं ना, हम लेके ही नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रो इवन दे वांट प्राइवेसी ना, है कि नहीं? मतलब क्या बताओ, ऐसे ही है, क्यों लेके जाएगा भी? मतलब एक्चुअली ना ब्रो, एक चीज है, व्लॉगर है, अकेला वाला व्लॉग, अकेले करने वाला व्लॉग, और दोस्त लोग के साथ करने वाला व्लॉग, इंटरेस्टिंग वो अपने आप में वो हो जाता है, मतलब समझ रहे हो? मतलब अकेला जब व्लॉग करते हैं ना ब्रो, तो वो उसको मतलब रॉक लामा क्यों छुट्टा इन लोग को छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको अच्छा वीडियो बनाना था, ये तो मेरे को पता है। मतलब दोस्त लोग के साथ ऐसा वीडियो नहीं बन पाएगा, मतलब इन लोग तो तभी भी बना रहा था ब्रो, इन लोग तो तभी बना रहा था, मेरा तो बनता नहीं है दोस्त लोग के साथ इतना। रिकॉर्डिंग चेक करो, यहाँ पे अमन भाई का जैकेट भी दिख रहा है और अमन भाई का वहाँ पे पल्सर भी दिख रहा है, बाइक भी दिख रहा है। हम उसको छोड़ के गया, अकेले है वहाँ पे, एक बंदा को रख के गया ताकि वो उसके साथ राइड आगे कर सके। वहां से वो उसने मेरे को आधे घंटे बाद रॉक ने मेरे को फोन किया कि बॉबी तू अपना दोस्त को छोड़ के चला गया। वो जैसे तैसे करके अमन को भी मेरा पीछे भेज दिया, ठीक है, और वहां पे सिंपैथी गेम खेल सके कि हम देखो मेरे साथ दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा किया, जबकि वो खुद अपना मन से निकला गाइस। खुद वो रूम में भी बोल दिया था कि हम तो UK07 से मिलेगा, व्यूज लपेट के आएगा, देखना अभी हम कहां जाएगा, तू लोग कहां रहेगा, देखना मेरा लाइफ कहां से कहां पहुंच जाएगा, यूके से मिलेगा, वहां से जाएगा हम प्रो राइडर 1000 का अगस्त्य, भाई का अपना घर पे जाएगा उसका, वो क्या क्या है वो, नहीं नहीं सच्ची बोल रहा है, वो इंसान है, वो प्रो राइडर घर का सामने जाकर बोलता है कि जस्टिस फॉर प्रो राइडर 1000, जस्टिस फॉर अगस्त्य भाई। और उसका ये वीडियो का क्लिप देखो जिसमें वो प्रो राइडर भाई के लिए एक वीडियो बनाया था, उसका देखो मोनिटाइजेशन तक ऑन है उसमें, वो उससे भी पैसा, सब चीज सब जगह से ना, मतलब पैसा ही कमाना चाहता है सब जगह से। अगर उसका मन में थोड़ा भी हमदर्दी टाइप का होता ना, तो वो उस वीडियो में को मोनेटाइजेशन ऑफ करके रखता, उस वीडियो से वो पैसा नहीं कमाता, लेकिन नहीं, उसको पैसा चाहिए, उसको व्यूज चाहिए, उसके वजह से वो सब कुछ हम लोग सबका लात मार के निकाल दिया और प्लान ऐसा किया कि हम उसको छोड़ के गया। हम कहां से उसको छोड़ के गया, आप खुद डिसाइड करो। आप मेरे को, आप लोग इतना समय कमेंट सेक्शन में गाली वाली बके हो ना भाई, हम डिप्रेशन में चला गया, हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, हम यहाँ से केदारनाथ का अभी राइड खत्म करके आ रहे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, हम क्या करें क्या नहीं करें, हम कुछ भी नहीं बोल रहे, वो डेली का डेली हमको पोक किए जा रहा है, डेली डेली हमको डीफेम करे जा रहा है, क्या हमारा जिंदगी नहीं है क्या? और अगर इस सबसे काम नहीं बनेगा, ये चाहिए मतलब एक दो वीडियो में अब क्या बोले, मतलब अब व्लॉगर है, अब क्या बोलते है, उसको भी दुख लगा होगा, अब थोड़ा बहुत पोक तो मारे गई रॉकलामा का भी, मतलब आई कैन फील रॉकलामा टू, आई कैन फील बॉबी भाई टू, तो सिंपति ले लेगा, रो धो के फोटोज डालेगा, वीडियो डालेगा, और वो सब उसका एक्टिंग है, सब के सब उसका एक्टिंग है। भी भाई लोग पर्सनली उससे मिले होंगे ना, वो लोग जानते होंगे कि वो किस टाइप का है, हमको कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है, हमको वो सब जानते हैं उसको, फिर भी दोस्ती यारी था, हम ऐसा कुछ प्लान नहीं था, वो सब कुछ हमको छोड़ के निकला। कोई भी छोटा क्रिएटर बड़ा क्रिएटर को छोड़ के जाता है क्या यार? हम भी तो चाहेगा ना उसके साथ, रॉक के साथ रहेगा तो थोड़ा बहुत मेरा भी व्यूज आएगा, सीधी बात बोलता है। हाँ वो तो है, रॉकलामा ने खुद ही छोड़ा है, वो तो मेरे को पता ही है। रॉकलामा इसने तो नहीं छोड़ा है, रॉकलामा ने खुद ही छोड़ा है, क्योंकि मतलब बस व्यूज के लिए नहीं, इतना से हम बोल सकते हैं, रॉकलामा बस व्यूज के लिए नहीं क्या, उसको अकेले में अपना जोन में करना था ये राइड, वो जितना भी बकचोदी करे अपना करना था। बट एटलीस्ट क्या बोलते हैं, मतलब बॉबी भाई जब था तो एटलीस्ट ही वॉज क्या बोलते हैं, रॉकलामा का एटलीस्ट एक मिल रहा था कि मतलब कैमरा पकड़ने का इधर उधर मिल रहा था, पर वो खुद ही कर लेगा बोल के उसने वो दिमाग चलाया, इसलिए चला गया। ठीक है, मतलब रॉकलामा खुद चला गया, इतना तो मेरे को भी पता है, पर रॉकलामा को नहीं बोलना चाहिए कि ये बॉबी भाई ने छोड़ा है। नो नो ब्रो, नो रॉकलामा ब्रदर, दा रॉकलामा दा होइन, तपाईँले नै छोडेको यसलाई चाहिँ, मलाई थाहा छ त्यो चाहिँ। अरे यार बुझ्दिन, म बुझ्छु दा, म बुझ्छु, मैले पनि गरेँ, डेली ब्लग पनि गरेँ, सबै गरेँ कि, म बुझ्छु। ले हम क्यों छोड़ेगा उसको, वो ही तो है, वो मेरे को छोड़ के गया है। हाँ। वो क्योंकि उसको यूके के पास ज्यादा व्यूज आएगा, वो बोला है कि हम यहाँ से निकलेगा, यूके के साथ ले लद्दाख जाएगा, उसका वो प्लानिंग था, लेकिन अनुराग भाई लेके उसको नहीं गया, उसलिए अभी और वो टेंशन में, कि हम इधर का भी नहीं रहा, इधर का भी नहीं रहा, अब हम करे तो करेगा, उसलिए और रो धो के वीडियो बना रहा है वो, और बीच में बदनाम कौन हो रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे, मतलब हम गलत है, हम क्योंकि दोस्ती जो वर्ड है ना, दोस्ती हमको मालूम है दोस्ती कैसा होता है, दोस्ती वर्ड कैसा होता है, वो सब चीज में गेम खेले जा रहा है उसमें, हम कुछ नहीं बोल रहे तो हम ही गलत हो गया, उसलिए हम अब इतना डिप्रेशन में है ना भाई, इतना हमको दुख है ना भाई, पूरा तबीयत खराब हो चुका है, हम वीडियो बना क्या बनाए, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हम
नेट ऑन करता है धड़ाधड़ मैसेज आने लगता है मेरे पास। अरे ये ब्लॉग वो तो सामने वाला मेरा बंदा एक है साथ में जो मोटिवेट कर करके मेरे को मेरे से ब्लॉग बनवा रहा है, नहीं तो हम तो यहाँ से कहीं का नहीं रहता अभी। वो जिस हिसाब से मेरा ऊपर एलिगेशन वगैरह लगा रहा है, हम छोड़ के निकल गया, हम तो कहीं का भी नहीं रहता। अब हम आपको सारा सच्चाई हम दिखा दिया, जो बचा है हम ऑडियो प्रूफ सब डाल दे रहे हैं यहाँ पे, आप देख लो। अभी भी लगता है आपको हम ही गलत है तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकता है। अब हम नहीं चाहता इसका ऊपर आगे भी इन फ्यूचर में भी वो वीडियो बनाए या फिर हम वीडियो बनाए। दोस्ती जो जितना दिन तक भी था वो वहीं पे रहने देते हैं, ताकि जो वर्ड दोस्ती है ना वो खराब ना हो। कहीं ना कहीं लोगों ना दोस्ती से डरने ना लगे, और वो इसको उसको ना इस ये वर्ड से कोई फर्क। इंटरनेट दोस्ती वेरी डेंजरस दोस्ती ब्रदर, इंटरनेट का दोस्ती वेरी डेंजरस। फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग उसका पूरा हिस्ट्री निकाल के देख लो, उसको इस वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्ती। जब दोस्ती का बीच में पैसा आ जाए ना ब्रो, तब भाई दोस्ती गांड बना जाता है क्या है। लेकिन हमको फर्क पड़ता है, उसके लिए हम ये दोस्ती वर्ड जो है इसको खराब नहीं करना है। उसलिए हम पास्ट का बात मिट्टी डालो, प्रेजेंट का जो बात था कर दिए आपसे बता दिए, हम भी बात करना है। हमारे पास क्लिप्स तो ऐसे ऐसे है ना, मिलियंस व्यूज आ जाएंगे, लाखों व्यूज आ जाएंगे, लेकिन हमको डालना नहीं है, हमको वो गेम खेलने नहीं आता है। सीधी बात है, हम अपना राइड करने आए, डे वन से हम अपना फोकस में राइड में थे, हम फोकस ही रहेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा अभी आप लोगों को कुछ पता नहीं है, उसके वजह से आप लोग भी थोड़ा सा भटक जा रहे हो, लेकिन अभी आपको सच्चाई सारा बता दिए भाई। पर गुस्सा ना ब्रो इतना ठीक नहीं है दोस्ती में ना, कम से कम सोचना चाहिए था हम अकेला है। अच्छा अच्छा, अभी फिर तू सिंपैथी गेम खेल रहा है, हम अकेला है, फिर तू सिंपैथी गेम खेल रहा है, हम अकेला है बोल के। तू अकेला जाना ही चाहता था वहाँ पे, तू नहीं चाहता था यूके से हम लोग कोई मिले। फायदा तू हर जगह फायदा ही देखता, अभी यहाँ पे देख, हम लोग राइड का प्लान किया था, हम लोग का ये प्लान ही नहीं था कि हम लोग यूके से मिलेगा या फिर किसी से मिलेगा। तू क्या बोला भाई व्यूज नहीं आ रहा है, उसके बाद हम क्या करें, तो चल यूके से मिल लेता है व्यूज आ जाएगा। तीन जन वहाँ पे हम कुछ बोला ही नहीं है, हम वहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है, हम चुपचाप बैठा है भाई। जब तू मेरे को गाली देके बोलेगा भाग यहाँ से तो हम तेरे को फोन करेगा। अच्छा दोस्ती में गाली नहीं चलता है, दोस्ती में चलता है ब्रो। इतना नहीं चलता, माँ का गाली नहीं चलता है दोस्ती में। अच्छा वो तो रात को दिया था ब्रो, सुबह दिया ना तेरे को। सुबह तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, सुबह तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, जब खाना खाने में बैठा तो कुछ नहीं बोल रहा है। एक ही बार तू डायरेक्ट फोन किया, उसके बाद बोला कहाँ जाना है, हम तेरे को ये उत्तराखंड का इधर का ये नंबर भी भेजा, उसके बाद बोला तू बोला क्या गुस्सा में, ठीक है लौड़ा जाना यहाँ से जा, बोला कि नहीं बोला, ये नहीं बोल सकता था। हाँ बॉबी हो गया बात खत्म कर, तू रुक जा, तू नहीं ए लौड़ा तू जा, हम तो बोला भाई, हम तो उस टाइम से चुपचाप था। हमको अगर सुन, अगर हमको निकलना होता ना तो हम कब का निकल चुका होता, हमको निकलना होता ना तो हम सुबह निकल गया होता। तू रात में तो किसी हिसाब से तू तो बैग भी पैक कर लिया था कि भाई हम तो सुबह सुबह निकल जाएगा, अब बात मत कर कोई भी। रात में क्या बोला था बैग तो बैग उसी तरह से पैक किया रात में, बोला तो रात में तू क्या बोला, ठीक है कल से अपना अपना देखेगा सब कोई, अपना अपना सब कोई देखेगा। तेरे पास जो हम लोग का पैसा था तू पैसा तक दे दिया हम लोगों को कि ले भाई अपना पैसा पकड़, उसका क्या मतलब है, उसका नहीं उसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। ये रॉक लामा नहीं रॉक ड्रामा है। अब मैं क्या बोलूं इन लोग को भाई, इन लोग को मैं क्या बोलूं, अब जो भी है भाई, जो भी है जैसा भी है ठीक है, चलता है चलने दो। इंटरनेट इंटरनेट का दोस्ती, इंटरनेट मतलब ऐसा ही है भाई। एक चीज बोलना चाहता हूँ, अब तुम बॉबी भाई तुम भी अपना कंटिन्यू करो ठीक है, और रॉक भाई तुम अब रॉक दा तुम भी अपना कंटिन्यू करो ठीक है, उतना ही वैसा ही है। तुम लोग अच्छा से ग्रो भी कर रहे हैं ठीक है, पैसा के पीछे नहीं लेगेसी के पीछे भागने का ठीक है। किसी दिन मिलेंगे सिलगुड़ी में रहते हैं ठीक है ओके ब्रो। पर झगड़ा मत करो यार, बुरा लगता है भाई। अपना ही इधर का भाई लोग बाप रे ऐसा झगड़ा कर रहे यूट्यूब में, बाप रे इतना बकचोदी चल रहे, बाप रे ना 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 ब्रो ऐसा मत करो यार, दैट्स ऑल ब्रो। देख के बुरा लगा पर कोई बात नहीं, सेफ राइड सेव लाइफ, यू नो वेस्ट बंगाल पुलिस का स्लोगन, दैट्स ऑल ब्रो, पीस आउट।